हाय डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, सभी को संदीप सर का नमस्कार। कैसे हैं आप? आज सुबह सुबह गंगा किनारे ऋषिकेश आने का मौका मिला। बहुत दिनों से सोच रहा था कि मैं गंगा से आशीर्वाद लेके आऊं। 6-7 महीनों से सभी कुछ बंद था, शायद शुरू होने की संभावना थी, तो आज मैंने सोचा कि माँ गंगा से आशीर्वाद लेके आऊं और फिर आप लोगों से बात करूं। तो मौका मिला, आज सुबह सुबह घूमता हुआ आ गया मैं। आप देखिए, ऋषिकेश में ये गंगा जी बह रही है, वो सामने लक्ष्मण झूला, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, बहुत ही अच्छा मौसम है। वही है देहरादून, हर लिहाज से आपके लिए, आपके सपनों के लिए पूरा करने का एक मात्र, पूरे इंडिया में आप कह सकते हैं कि जगह है जहाँ से आपके सपने साकार हो सकते हैं। देहरादून के बारे में मैंने पहले भी कई बार बोला है, आप देख सकते हैं, इतिहास देख सकते हैं कि देहरादून हमेशा से एजुकेशन के लिए एक अच्छी जगह रही है, एजुकेशन हब रहा है। बड़े बड़े यहाँ पे वर्ल्ड स्टैंडर्ड के स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, जैसे आपका दून स्कूल है, वेलम्स स्कूल है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA देहरादून में है, NCC का हेडक्वार्टर देहरादून में है। इसके अलावा सर्वे FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में है, और देहरादून के आसपास बहुत सारी खूबसूरत जगह है, जिसमें आपका मसूरी, धनोल्टी, हरिद्वार, ऋषिकेश जो कि मैं आज यहाँ पे हूँ, और भी बहुत सारी खूबसूरत जगह देहरादून के आसपास हैं। और सबसे बड़ी अच्छी जो बात है, यहाँ का मौसम, यहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं रहता, गर्मियों में बहुत अच्छा मौसम रहता है, बरसातें अच्छा मौसम है। स्टूडेंट के लिए स्पेशली जब वो प्रिपरेशन के लिए घर से निकलते हैं, देखिए आप, मैं ये नहीं कहता आपके घरों में जहाँ आप रहते हैं, आपके शहरों में, आपके गांव में अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं होंगे या अच्छे टीचर्स नहीं होंगे, मेरा वो कहने का मतलब नहीं है। लेकिन बच्चा लोगों, जो एक्चुअली अच्छी पढ़ाई के लिए एक अच्छा वातावरण होना बहुत ज़रूरी है, एक अच्छा माहौल होना बहुत ज़रूरी है। देहरादून वो सारी रिक्वायरमेंट पूरी करता है जो एक स्टूडेंट को 12th के बाद, एटलीस्ट 12th के बाद कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए चाहिए होती है। तो मैं आप लोगों से यही एडवाइस करूंगा कि एक बार कहीं भी आप अगर घर से निकलते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए, कोचिंग के लिए, तो देहरादून आने का भी एक बार ज़रूर सोचें। आप टून डिफेंस अकेडमी में आए या ना आए, वो आपकी मर्जी है, लेकिन देहरादून का ज़रूर सोचें। बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, और जैसे कि मैंने बताया कि क्लाइमेट के हिसाब से, मौसम के हिसाब से ये बहुत बढ़िया है, मूड फ्रेश रहता है यहाँ पे। जैसे दिल्ली, जैसे मेट्रो सिटीज़ होते हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, ओके, आपके इलाहाबाद लगा लो, कानपुर लगा लो, जो कोचिंग हब हैं कई सारे, वहाँ पे बहुत भीड़ भड़ाका, मारामारी है ना, गर्मियों में इतनी गर्मी, सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी है ना, और कॉस्टली भी हैं रहने के हिसाब से, पढ़ने के हिसाब से। तो वो सब देखते हुए आप ज़रूर सोचें देहरादून में अपने 12th के बाद अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो एक बार देहरादून में आने का ज़रूर सोचें। देहरादून आप आएंगे, आपका
मूड फ्रेश रहेगा, आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, आपका बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा जो अन्य जगहों पे आता है, और एक लाइफ स्टाइल अच्छा है, लोग अच्छे हैं, बातचीत करने में पीजी हॉस्टल्स इंस्टीट्यूट्स काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे। आप देखिए आईएएस की एकेडमी जो आपने सुना होगा, आईएएस की एकेडमी देहरादून में ही पास में मसूरी में है, वहाँ पे स्थित है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी यहाँ देहरादून में है, वो हमारी एकेडमी से अराउंड 7-8 किलोमीटर दूरी है। हर साल हम पीओपी में बच्चों को वहाँ पे लेके जाते हैं, और इनफैक्ट एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी भी पहले कभी देहरादून में ही क्लेमेंट टाउन में हुआ करती थी, वो बाद में शिफ्ट हुई। देहरादून में और देहरादून के आसपास मैक्सिमम इंडियन आर्म फोर्सेस में जो जॉब करते हैं आज, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, मर्चेंट नेवी हो, इन तमाम संस्थाओं में जॉब करने वाले मैक्सिमम जो लोग हैं वो उत्तराखंड से हैं, देहरादून से हैं, आसपास के एरिया से हैं। एक्स सर्विस मैन यहाँ बहुत ज़्यादा हैं। उत्तराखंड को फौजियों की भूमि कहा जाता है। कोई भी पीओपी हो, चाहे वो एनडीए की हो, आईएमए की हो, ओटीए की हो, नेवल एकेडमी की हो, एयरफोर्स की हो, मैक्सिमम देहरादून से उत्तराखंड से बच्चे उसमें होते हैं, इसीलिए कि ये जगह ही ऐसी है। तो मेरी आपको सबको एडवाइस है कि आप देहरादून आए, और हो सके तो दून डिफेंस एकेडमी आए, फिर आप देखना कितने अच्छे से आपकी प्रिपरेशन चलती है, कोचिंग चलती है, और आप भी अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। ज़रूर सोचना इसके बारे में, आप नेट पे सर्च करें, गूगल में सर्च करें अबाउट देहरादून, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपका संदीप सर ये ठीक कह रहा है या गलत कह रहा है। अच्छा लग रहा है बहुत आज यहाँ पे आके, बहुत ही खूबसूरत मौसम है, तो पॉजिटिव एनर्जी से यहाँ पे आते हैं तो भर जाता है एकदम। ट्रैकिंग के लिए बहुत अच्छी अच्छी जगह है, देखिए फिजिकल भी होता है, आपको पता है इंडियन आर्म फोर्सेज में फिजिकल के लिए भी ट्रैकिंग है, आपके मैराथन है, और भी कई सारी एक्टिविटीज चलती रहती है देहरादून में, जिसमें दून डिफेंस अकेडमी भी पार्टिसिपेट करता है, चाहे वो आपका मैराथन हो, क्रॉस कंट्री हो, क्रिकेट मैच हो, फुटबॉल मैच हो। इनफैक्ट हमने हमारी दून डिफेंस अकेडमी की टीम रहती है, क्रिकेट की टीम रहती है, आप में से कई लोग क्रिकेट के शौकीन होंगे, ओके, फुटबॉल की रहती है, बास्केटबॉल है, और भी कई सारी एक्टिविटी चलती है, जिसमें ब्लड डोनेशन कैंप है, डिबेट कंपटीशन है, क्विज कंपटीशन है ना, और वृक्षारोपण का जो प्रोग्राम है, इंटरटेनमेंट के लिए भी शूटिंग, आपको शायद नहीं मालूम होगा लेकिन अभी जैसे कि शूटिंग का हब मुंबई माना जाता था, बट अब वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। देहरादून में आसपास के एरियाज में शूटिंग भी बहुत होती है यहाँ पे, मूवीज़ की, सीरियल्स की, वेब सीरीज की। तो कुल मिला के मैं आपको यही एडवाइस करूँगा, घर से निकलने से पहले जब आप 12th करें, रिसर्च करें कहीं जाने की, घर से दूर तो एक बार देहरादून के बारे में ज़रूर सोचें, आपको अच्छा लगेगा, ये मेरी गारंटी है आपको, ओके। और दून डिफेंस एकेडमी के बारे में भी ज़रूर सोचें, दून डिफेंस एकेडमी पिछले 15 वर्षों से लगातार एक अच्छी एजुकेशन यूथ को, यंगस्टर्स को, जो आने वाले हमारे नौजवान हैं जो इंडियन आर्म फोर्सेस, मर्चेंट नेवी इत्यादि में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए 15 सालों से लगातार अच्छे रिजल्ट्स, एजुकेशन, गाइडेंस, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन प्रोवाइड करते आ रही है हमारी दून डिफेंस एकेडमी, जो देहरादून में सहजदारा रोड पे ग्रीन व्यू अपार्टमेंट के सामने स्थित है, और जिसकी वेबसाइट www.doondefenseacademy.com एंड www.ddaonlineclasses.com है, इसमें आप डिटेल देख सकते हैं। ज़रूर सोचें, मैं तो यही कहूँगा, दून डिफेंस एकेडमी नौजवानों का
जो उनके दिल में, जो उनके मन में, जो उनके ख्वाब हैं, जो उनके सपने हैं, उसको पूरा करने का बीड़ा उठाई हुई है। और मुझे बड़ी खुशी आपको बताते हुए कि पिछले 15 वर्षों में 8,500 से ज़्यादा, मोर देन 8,500 हमारे यंगस्टर्स आज इंडियन आर्म फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड मर्चेंट नेवी में ज्वाइन कर चुके हैं और बड़े बड़े अच्छे अच्छे रैंक्स में आज जॉब कर रहे हैं। कई लोग जो शुरू में ज्वाइन किए थे 2005 में, टून डिफेंस अकेडमी की स्थापना 15 अगस्त 2005 को हुई थी, तो जो शुरू में जो ज्वाइन किए थे अपनी इंडियन नेवी में, वो रिटायर भी होने वाले हैं। मैं संदीप सर, आपका जो इंडियन नेवी से रिटायर हूँ, सबमरीन में था, आज ये पानी देख के मुझे वो समंदर की याद आ गई। आप देख रहे होंगे ये पानी जो बह रहा है, मैं तो पनडुब्बी तो इसके अंदर रहती थी, सबमरीन पानी के अंदर 200-250 मीटर नीचे रहती थी, तो मुझे वो दिन याद आ गए। तो एक पूरी लेगेसी है टून डिफेंस अकेडमी की, उसका स्टाफ, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी, स्टडी मटेरियल, जो एक एक्सपीरियंस से बना हुआ है, 15 सालों का जो एक्सपीरियंस है उससे निचोड़ है वो हमारा स्टडी मटेरियल, जो आने वाले आपके एग्ज़ाम हैं, चाहे वो NDA हो, CDSC हो, OT हो, FCAT हो, INET हो, इंडियन एयरफोर्स ग्रुप X, ग्रुप Y हो, इंडियन नेवी AA SSR हो, BSF हो, कोई भी इंडिया मर्चेंट नेवी की IMU CET हो, कंपनी स्पॉन्सरशिप के टेस्ट हो, चाहे वो रिटर्न टेस्ट हो, SSB इंटरव्यू का हो, फिजिकल ट्रेनिंग हो, सभी को मद्देनज़र रखते हुए हमने डिज़ाइन किया हुआ है। तो वो एक ऑथेंटिक और टू द पॉइंट रिजल्ट ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल है, फैकल्टी वेल एक्सपीरियंस है, जो टून डिफेंस अकेडमी का SSB ऑब्स्टिकल ग्राउंड है, आप देख लेना नेट पे भी या कभी आके, आपको उससे अच्छा ग्राउंड कहीं नहीं मिलेगा। और वो पूरा ऐसे के ऐसे डिज़ाइन किया हुआ है जो आपको एक्चुअल में SSB में करने को मिलेगा। हमारे एक्स ऑफिसर जो आर्मी नेवी एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं, वो कोर्स कराते हैं SSB का, बाकी फैकल्टी वगैरह डिटेल हमारे रिजल्ट सब कुछ हमारी वेबसाइट में अवेलेबल है। तो मैं फिर लास्ट में यही कहूँगा कि ज़रूर सोचें देहरादून के बारे में, और अगर देहरादून के बारे में सोचें तो टून डिफेंस अकेडमी के बारे में भी ज़रूर सोचें, आपके सपने ज़रूर पूरे होंगे आके यहाँ पे आके। और गंगा जी से प्रार्थना है आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और जो सपने आपने आपके पेरेंट्स ने देखे हैं पूरे हों। आइए देहरादून, आइए टून डिफेंस अकेडमी ज्वाइन कीजिए और एक ज़िंदगी का एक नया आनंद, नया एक्सपीरियंस लीजिए मेरे साथ, मेरी टीम के साथ, टून डिफेंस अकेडमी के साथ। सारी डिटेल हमारी वेबसाइट में अवेलेबल है, हमारा फीस स्ट्रक्चर, हमारा एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन अवर वेबसाइट www.toondefenseacademy.com एंड www.ddonlineclasses.com, वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, आप उसमें कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। बट ये थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान रखें कि टून डिफेंस अकेडमी की कोई अन्य शाखा नहीं है, वी डोंट हैव एनी अदर ब्रांच। कुछ अकेडमीज जो हमारे एक्स फैकल्टी स्टाफ थे या स्टूडेंट थे, टून डिफेंस जैसे लगभग आगे पीछे नाम रखे उन्होंने खोला हुआ है। तो हमारी अकेडमी 2005 में एस्टेब्लिश हुई थी, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखें कि कहीं DDA के चक्कर में, नाम में इधर उधर आप ना फंस जाएं, उस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आपको वहाँ जाना है तो आप वहाँ जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपको संदीप सर टून डिफेंस अकेडमी में आना है तो आप सही जगह आएँ, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि कुछ स्टूडेंट्स, कुछ बच्चे फंस जाते हैं, बाद में फीस रिफंड नहीं होती वहाँ पे। ओके, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। बाकी आएंगे आप तो आपको भी ले चलेंगे, पढ़ाई के साथ साथ हम आपको और भी दूसरी एक्टिविटीज़ में इंक्लूड करेंगे, सो देट आपको एक लाइफ टाइम आपके लिए एक्सपीरियंस रहे। पढ़ना एक ज़रूरी है, एक बात है, लेकिन डिफेंस में सिर्फ पढ़ने से नहीं होता, और भी कई सारी चीज़ें आपको अपने अंदर लेके आनी पड़ती है, जिसमें आप ऑफिसर लाइक क्वालिटी है, मैनेजमेंट क्वालिटी है, लीडरशिप क्वालिटी है, एक ऑलराउंडर चाहिए होता है फौज को, जो DDA डेवलप करता है आपके अंदर। आप अभी एक किस तरह से रॉ मटेरियल हैं, ज़्यादा चीज़ें आपको मालूम नहीं है, पर DDA आपको तराशेगा, आपको निखारेगा, और फिर आप भी
एक कल कल बहती हुई गंगा की तरह जिंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे। बस हमारा यही मकसद है, यही एम है। और पिछले 15 सालों से लगातार ये मैं करता आ रहा हूँ, मेरी टीम करती आ रही है और आगे भी इसी तरह से करते रहेंगे। आपको, आपके परिवार को गंगा जी की तरफ से आशीर्वाद। बिना रुकने वाला संदेश लेके आती है, इसी तरह से ही आपका संदीप सर भी आपके लिए प्रार्थना करता है। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें और एक अच्छे नागरिक बने, यही हमारा एम है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।